हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। निकल चुके हैं, अभी शाम के करीब 4 बजे हुए हैं। तो ये देखिए, अब आपको रास्ते का पूरा व्यू दिखाएंगे। गंगोत्री धाम पर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे यमुनोत्री से। यह गंगोत्री धाम की दूरी है करीब 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है करीब, 245 किलोमीटर है यमुनोत्री से, 45 किलोमीटर है बड़कोट, और बड़कोट से करीब 100 किलोमीटर है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर पड़ेगा गंगोत्री धाम। तो सुबह तक पहुंचेंगे, बाकी आपको शाम होने तक रास्ते का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे रास्ते बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते हैं। और अभी आपको उत्तरकाशी पहुँचने तक तो रात हो जाएगी, आगे का व्यू थोड़ा सा रात का तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं। दिन में जब तक ये रोशनी रहेगी तब तक मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ रास्ते का। गंगोत्री धाम पहुँचने वाले हैं आज, कल सुबह पहुँचेंगे, अभी पूरी रात चलेंगे यहाँ से। यहाँ से अभी पहुँचने वाले हैं बड़कोट, बड़कोट से फिर हम लोग पहुँचेंगे सीधा उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री का रास्ता मिलेगा हमको। तो अभी अभी तो बड़कोट पहुंचना है हम लोगों को। आपको बता दूं, आप अगर आप लोग आते हैं कभी यमुनोत्री धाम आना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से सीधा देहरादून और देहरादून से सीधा बड़कोट, ये रास्ता बहुत ही सीधा पड़ता है। हम लोग तो रात में आए थे तो हम लोगों को पता नहीं था, काफ़ी घूम के आना पड़ा टेहरी होके कहीं से भी, तो वो रास्ता हम लोगों को बहुत ही लंबा पड़ गया। 24 घंटे में पहुँच पाए थे हम लोग, बाद में पता चला कि ये देहरादून से सीधा रास्ता आता है यमुनोत्री के लिए, और यहाँ से थोड़ा शॉर्ट भी पड़ता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग कभी आना चाहें तो हरिद्वार से सीधा देहरादून, और देहरादून से बड़कोट, और बड़कोट से आप यमुनोत्री पहुँच सकते हैं बहुत ही कम समय में, और कम दूरी तय करके आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। उसके बाद गंगोत्री के लिए आप लोग यमुनोत्री से फिर रास्ता है सीधा बड़कोट, और बड़कोट से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर पड़ेगा आपका गंगोत्री धाम। तो इस तरह से आप लोग यमुनोत्री और गंगोत्री, गंगोत्री पहुंचने के बाद फिर आपको आगे का बताएंगे हम केदारनाथ धाम जाने के लिए, वहां से जो रास्ता पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तो हम लोग पहुंच रहे हैं बड़कोट, और ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं, रात्रि हो चुकी है। ये उत्तरकाशी शहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मैंने ये नाइट में थोड़ा सा शूट कर लिया है, आपको दिखा रहा हूँ उत्तरकाशी शहर। फ्रेंड्स, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। तो ये देखिए, रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। रात में थोड़ा रोशनी कम है, अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है आपको, वही मैं दिखाना चाह रहा था बड़कोट शहर। तो फ्रेंड्स, फाइनली सुबह हो चुकी है, हम लोग यमुनोत्री धाम से अब गंगोत्री धाम पर पहुंच गए हैं। रात में पूरी रात तो बारिश हुई है, हम लोग काफ़ी रुक रुक के आए हैं। अब ये यहाँ से जो है सुबह हो चुकी है, गंगोत्री धाम बिल्कुल पास में ही है, करीब 1-2 किलोमीटर ही रह गया है। पूरी रात बारिश में हम लोग चलते रहे। ये देखिए, आप पहाड़ों पे देख सकते हैं बर्फ़ भी पड़ गई है, यहाँ पे पहुँच के काफ़ी थोड़ा ठंड भी पड़ गई है, रात भर बारिश हुई तो उसकी वजह से ठंड भी है काफ़ी। सुबह सुबह हल्का सा मौसम ठंडा भी हो गया है, पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, देखिए कोहरा सा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी आपको बता दें कि उत्तरकाशी से जो गंगोत्री धाम का मार्ग है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा ऊपर खाबड़ नहीं है मार्ग, जो रोड बना हुआ है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, पहाड़ भी उतने ज़्यादा नहीं है जितने कि उस मार्ग में मिलते हैं जो गंगोत्री, जो यमुनोत्री धाम के मार्ग में जो मिलते हैं उससे थोड़ा सा कम ही है, रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली पहुंच रहे हैं, आगे के ब्लॉग में मिलते हैं आपको।